फाउंडेशन की बुनियाद पड़ी। जिस वक्त मैं ज़िले बेलगाम और पूरे कर्नाटक में और कई हिंदुस्तान के कई इलाकों में सैलाब के हादसात से पानी के मसाइल थे, उस वक्त में ये तंजीम वजूद में आई। कई अफराद इससे जुड़े और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले में और अतराफी ज़िले में बेहतरीन काम हुआ और उसी की मेहनत का नतीजा था कि ये आगे बढ़ते रहे और जिसकी वजह से कई काम इनके ज़िम्मे आए। फिर लॉकडाउन का ज़माना आया तो उसमें खिदमत खल्क के अतबार से राशन वगैरह का निज़ाम चलाने के अतबार से बड़ा बेहतरीन काम हुआ। पूरे शहर भर में और ज़िले भर में इसका अच्छा ताउन रहा। इसी तरह उसी दौरान एक हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी, मसाइल पेश आए, कई हजरात के इलाज का मसला था तो ये हजरात मुतफक्किर हुए किसी तरह एक हॉस्पिटल की बुनियाद बन जाए। उन्होंने कोशिशें की, कई जगह कई मेहनतें की। उसके बाद मदनी स्कूल में निज़ाम कायम हुआ कोई सेंटर के नाम से, उसे इससे उस काम के ज़रिए से एक हिम्मत और बढ़ी कि एक इदारा होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये मुसलसल कोशिशों में रहे, कई जगह कई इमारतों से बात हुई, उसमें आगे पीछे हुआ, फिर बाद में यहाँ भी कोई सेंटर चलाया गया और यहाँ एक निज़ाम चलता रहा। फिर उसके बाद कुछ हालात थे, कुछ मसाइल थे, उनसे दो चार होते हुए और वो मसाइल हल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये कदम बढ़ाते 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 आज इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन और सारी सहूलत के निज़ाम के साथ एक हॉस्पिटल कायम हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि नौजवानों की अल्लाह ताला मेहनतें कबूल फरमाए और इनके पीछे जो तबके जो हजरात जो हमारे दूसरे शहर के शख्सियात काम करती हैं इन तमाम को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो हमारे को कोई हक नहीं बनता कि एक क्लास में और एक क्लास में डिफ्रेंशिएट कर, लेकिन क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है और ऐसा हो रहा है तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी थोड़ी सी कोशिश से हमारी एक छोटी ये पूरे ज़माने को बदल नहीं सकती। ये जितना पूरे दुनिया के अंदर जो नेक्सस बना हुआ है उस नेक्सस को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अल्लाह अगर चाहे तो। लेकिन ये एक छोटी कोशिश है, एफोर्डेबल प्राइजेस सब्सिडाइज प्राइजेस के अंदर जो है हमारे रेट्स भी जो है इंशाल्लाह सब्सिडाइज रहेंगे। हमारी नीयत यही है कि उम्मत का एक बहुत बड़ा माल ये सर्विस के ऊपर लग रहा है। हालांकि कि अभी बोलना बहुत जल्दी होगा मेरा से, लेकिन जितना अभी तक स्टडी हुआ है और जितना लोगों से हमारा इंटरेक्शन हुआ है, डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है, ये सर्विसेज के वास्ते जो है वो इस वक्त पे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइजेस चार्ज किए जा रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है और ये हमारा स्टार्ट है और आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि हमारी 100% हमारे से गलतियाँ हुई हैं। हम लोग गलतियाँ ज़रूर करेंगे लेकिन गलतियों से पहले ही मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूँगा। आप लोग हमारे को जो है वो हमारी गलतियों की कमेंट ना करें, हमारे से डेफिनेटली गलतियाँ होंगी क्योंकि ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। 10वां भी प्रोजेक्ट होता तो भी हम गलतियाँ करते हैं, तो ये पहला प्रोजेक्ट है तो आप सब हमारी गलतियों को नज़रअंदाज कर दें इंशाल्लाह। तो हमारा मकसद यही है कि इंशाल्लाह अच्छा इलाज हो और उम्मत का माल हम बचाएँ इंशाल्लाह। उम्मत के अंदर सब है, जैसा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला जब से ये इदारा बना है तब से हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ईमान वालों में भी काम दे रहा है, अल्लाह ताला जो है वो हमारे दीगर मदनी भाइयों के अंदर भी काम दे रहा है माशाल्लाह। मेडिकल लाइन ऐसी है ना, ट्रीट करना आसान है लेकिन पेशेंट बनना सबसे मुश्किल। लेकिन जब इंसान अपनी तकलीफ लेके आता है तो उसको और पैसे के लिए हम परेशान करते हैं, लेकिन
इसमें मेरी रोक नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब इरफान भाई मेरे पास आए कि ऐसी चीज करेंगे जहाँ पे पेशेंट को आसान नहीं करेंगे, हाँ आपको जो है आप थोड़ा कम्फर्टेबली हमारे को हेल्प करो, हमें वो हेल्प भी पेशेंट को देंगे। अगर आप कहीं पे बोलेंगे मैं इधर इतना कुछ कम चार्ज करूँगा, वो चार्जेस बिल के अंदर भी पेशेंट को कम करें। तो जो भी हमारे साथ सर्जन जुड़े हैं, पीडियाट्रिशियन जुड़े हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जुड़े हैं, उनके साथ भी ऐसी बात हुई है कि जो भी जितना हो सके पेशेंट के बेहतर, पेशेंट को जितना होता उतना कम से कम दाम में पूरा करें। हालांकि हॉस्पिटल बनाने में जो मुश्किल है ये बहुत अच्छे से जान चुके हैं। हाँ मैं 20 साल से देख रहा हूँ, एक छोटी सी छोटी चीज भी अगर नहीं रही हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल बंद ही काम ही नहीं होगा। एक पेशेंट आता है ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, एक छोटी सी छोटी चीज, वो सक्शन मशीन है, वो दीवार से ओटी टेबल तक नहीं आएगी, ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो खाली वो वायर लंबी नहीं रही, खाली वो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, उसके अंदर कम से कम 150 से 1500 चीजें रहती जो उस वक्त को परफेक्टली वहाँ पे रहनी चाहिए। तो ये हजरात उलमा को खुसूसन बुलाने का मकसद ये था कि हॉस्पिटल के चंद हालात आप हजरात के सामने पेश करें, और बुनियादी ये था कि दुआ ऐसी हो जाए ताकि इदारा बुनियादी तौर पर खड़ा हो सके। और जैसे इसमें कुछ 19-20 वर्ष जैसे जहीर भाई ने कहा कि हमारे कुछ गलतियां हो सकती हैं और होंगी, लेकिन ये है कि उन गलतियों को उछालने के बजाय उस गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है ये कोशिश की जाए। इदारे को चलाने के लिए बड़ी मशक्क़तें होती हैं और बड़ी तकलीफें होती हैं। किसी आदमी को किसी मामले में कुछ हो जाए तो बेहतर ये शक्ल होती है कि उस साहब से मिल करके वो समझाया जाए कि ये मामला तुम्हारा यहाँ थोड़ा सा 19-20 है, इसे दुरुस्त कर लिया जाए, बाकी सब माशाल्लाह अच्छा है। ये तरतीब हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारा मिजाज ये बना हुआ है कि किसी की कोई गलती नजर आई तो उसे शहर भर उछाल दिया, एक इदारा एक स्कूल एक फलां चीज चलती रहती है, उसमें बजाय वो हिम्मत उनकी बढ़ने की घट जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 25 साल से मेडिकल लाइन में अनसर के खादिम बनकर इस शहर के अंदर इस पूरे ज़िले के अंदर काम कर रहा हूँ, और बहुत सारे इस ज़माने के अंदर तजुर्बा हमारे सामने आए, वो सारे तजुर्बा इस वक्त आप हजरत खिदमत में नहीं रखा जा सकता। हमारी ख्वाहिश की तमन्ना थी कि हमारा कोई एक मोतमद आए कि जिस पर हमारी कौम जो इस्तेमाल करे और ऐसा अस्पताल हमारे यहाँ बने, जिसके लिए हम लोगों ने भी कोशिशें की। हम लोगों ने एक जगह भी दी थी 25,000 रुपये, नदीम भाई हमारे उन्होंने वो जगह के लिए रकम भी दी थी, और लेकिन वो जगह हासिल नहीं की जा सकी। उसके बाद छोटी मस्जिद कैंप के अंदर हम खुद अस्पुद अपनी जमात अपने साथियों के साथ अस्पताल नहीं बना सकते, तो क्यों ना हम तमाम कमेटियों तंजीमों इदारों से एक एक दो दो अफराद को लेकर एक कमेटी बनाए और एक एतमाद मोतमद आले अस्पताल हमारे इलाके में बने, जिसके ज़रिए से इंसानियत की खिदमत हो, और इस इंसानियत की खिदमत के नतीजे में दुश्मनियों और नफरतों की के बादल और दीवारें छिट जाएं, हम उनसे करीब हों हमसे करीब हों। इस वक्त मजबूरों की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर खून चूसने के लिए सबसे बेहतरीन लुटेरों का कर पेशा है मेरे भाइयों, और माफ करना या डॉक्टर की हैं वो है आप सुनो। चूंकि हम लोग सीधे साधे भोले भाले हालात के मारे हुए परेशान, ना हमें खाने का पता रहता है, ना सोने का पता होता है, ना नानी रात बनी जाती है, ना खाना मिला नहीं मिला, हम तो जो ये कहेंगे वो करेंगे। मैं बार बार सोचता था एक एक मोहल्ले में एक एक करोड़ और दो दो करोड़ की मस्जिदें हम बना रहे हैं। हम एम के हुए नहीं गए थे प्रोग्राम, मौलाना आरिफ साहब भी और भी उलमा थे, उसी मस्जिद के अंदर 1.5 करोड़ रुपए मस्जिद का चंदा हुआ। 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके हम एक मस्जिद बना सकते, पूरे शहर में अस्पताल नहीं बना सकते, चारों कोनों में चार चार बड़े बड़े मदरसे जहाँ पर हमारे लाखों रुपये हम लगा गए, हम एक अस्पताल नहीं बना सकते। असल बात यह है कि हमने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। असल बात चीज जो है वो है कि हमने इसकी तरफ तवज्जो दी नहीं। हम क्या समझते रहे कि तामीर मस्जिद के कार्य सवाब जारिया है, अस्पताल का बनाना, स्कूलों का बनाना, कॉलेजेस का बनाना, ये सवाब जारिया में हमने इसको समझा ही नहीं। और इसमें मैं समझता हूँ ये मेरी गलती है, मैं समझता हूँ कि हमने जहनसाजी की नहीं है। अगर जहनसाजी की जाती तो जो सूरत हाल आज दूसरी कौमों के उससे 100 हाथ आगे हम होते, 100 हाथ आगे हम होते। जहां तक मैं सोच रहा हूं
हजारों लाखों के आवाम को बुला करके आवाम के सामने ये तमाम बातें रखने के बजाय ये इंतजामिया कमेटी ने बहुत अच्छा सोचा कि उलमा इकराम को बुला करके उनके सामने रखा। क्यों? एक आलिम हजार को सुना सकता, उन्हें सुनने सुनाने का मौका मिलता है तो हजार बाबा मुन्नास के सामने ये मसले को ये बात को रख सकते हैं। तो इस लिहाज से आज उलमा इकराम यहाँ पर जमा है तो ये नजरिया और ये तासुर आवाम को देंगे। और सबसे पहले अवाम उन्नास में मेरा अपना ख्याल, मेरा जाती ख्याल कि अवाम उन्नास में ये बात को लाया ही ना जाए कि यहाँ कम में इलाज होता है, यहाँ पर जो है नी ज्यादा से ज्यादा जो है नी कंसेशन दिया जाता है, ये है वो है, ये सारी चीजें जो है कभी अवाम उन्नास के दिल में ना लाया जाए। जहां वक्त आने पर हजारों के खर्चा करके जो है दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं उसी मयार का इलाज यहाँ अपने दीनी माहौल में और अपने लोगों के दरमियान में दीगर और मुसामात पर उतना सब कुछ करने के बावजूद भी खदशा रहता है और सामने से कोई सही तरह नहीं मिलते रहती, इतना अनबख्श जवाब नहीं मिलते रहता है कि हमारा मरीज सेहत याफ्ता होगा या उसके जो है सेहत में क्या गलत हो रहे हैं, क्या तरक्की हो रही है, क्या है। एक अजीब किस्म के जो है मरीज से ज्यादा जो है वो मरीज के लिए कोशिश करने वाला मरीज बन के रहता है। क्यों? कि हमारे लोगों की जिंदगी सतह इतनी निचली तक आ गई है, मैं अपने दुनियावी ख्वाहिशात के लिए लाखों रुपए खर्चा करने को तैयार हूँ। आज बीवी बोल गई जी अगर जीवी बिगड़ गया है लेके आऊँ तो 5-10 हजार का नहीं चलेगा, उन 50 हजार की मंगी बहान हमारी, तुम्हें 1 लाख का लाना, देखो ऐसे नजरियात हमारे आए हैं। और जब ऐसे मामले आते हैं तो वहां पर जो है जी 10 अगर खर्च हो रहा हो तो 5 में नहीं होता क्या, 2 में नहीं होता क्या, ऐसी जल्दी सतह नीचे हो गई है। तो बराए मेहरबानी आपकी कोशिशों को सलाम है कि बहुत दिनों से जो है एक चीज ऐसी एक जरूरत थी जब इज्तिमाई काम करना है तो दो चीजों एक तो इखलास और दूसरा है जो कोशिश और इख्तलाफ से बचा। और शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है जैसे मौलाना ने कहा कि कोई अच्छा काम करता है तरक्की कर रहा है तो देखा नहीं जाकर पेट में मरोड़ शुरू हो जाए, खूब तो करते नहीं हैं अभी ऊपर जा रहा है तरक्की कर रहा है जिसको कहते थी ना उसके दाम पकड़ के नीचे अभी उसके साथ ऊपर जाने की कोशिश। मेरी दुआ है ये मेरा मैं देख करके खुश हो गए, कभी इससे पहले मैं सीखा भी नहीं था, नाम सुनता था बहुत सारे ये जो बाढ़ आई या कोरोना के बाद इन्होंने जो काम किया है मैंने जाकर देखा हुआ पास तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम किया। और यहाँ हम इस मुल्क में रहते हैं हिंदुस्तान में, यहाँ मजहब भी था कुछ नहीं, ये खिदमत हल था। और दूसरा दिन कहते हैं कि इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत खल करते खुदा मिलता और इन्होंने ये इतना बड़ा काम किया।